Welcome back friends to my YouTube channel The Himalayan Guru Official. Friends, today I am presenting with a brand new video of Reef Crypto. Yes, you have heard it right. दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रीफ क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इसका क्रिप्टो मार्केट में इसकी क्या पोजीशन है, साथ ही साथ करंट और इन फ्यूचर में इसका क्या स्टेटस होने वाला है, उस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं रीफ क्रिप्टो का। दोस्तों ये रीफ क्रिप्टो की ऑफिशियल वेबसाइट है reef.io। रीफ क्या है? रीफ इज ए स्मार्ट लिक्विडिटी एग्रीगेटर एंड यील्ड इंजन दैट इनेबल्स ट्रेडिंग विद एक्सेस टू लिक्विडिटी फ्रॉम बोथ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एंड decentralized exchanges while offering smart lending, borrowing, staking, mining through artificial intelligence driven personalized reef yield engine। यानी कि reef एक smart liquidity aggregator है और एक yield engine भी है जो trading को enable करता है ताकि आप liquidity access कर पाएं centralized और decentralized exchanges से। साथ ही साथ ये क्या offer कर रहा है? smart lending यानी कि आप ले भी सकते हैं, borrowing, स्टेकिंग, माइनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये किया जाता है। सो रीफ टोकन इज द नेटिव करेंसी ऑन रीफ चेन। यानी कि रीफ टोकन क्या हुआ? फिर रीफ टोकन हुआ रीफ चेन की करेंसी का एक नेटिव टोकन हुआ रीफ, एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन फीस यानी कि गैस फीस के लिए ये काम आता है। ऑन चेन गवर्नेंस एनपोस एंड पीओसी ये दोनों के लिए काम आता है। रीफ टोकन इज ऑल्सो अवेलेबल एज ERC20 यानी कि इथेरियम चेन पे है एंड BSC and will be made convertible 1:1 with reef chain token। तो सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, reef token जो है reef chain का ही एक native currency है जो कि सिर्फ transaction fees के लिए और on chain governance की fees के लिए यहाँ पे काम आता है। reef token ERC20 पर भी available है और BSC पर भी available है, which can be convertible 1:1 में convert हो सकता है। हैशिंग एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। रीफ इज अ प्रूफ ऑफ कैपेसिटी कॉइन दैट यूजेस द ETH टोकन एल्गोरिथम यानी कि इथेरियम का जो टोकन है उसका एल्गोरिथम यहाँ पे ये यूज होता है। एज दे हैव मेंशन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट इट इज रीफ। रीफ स्टैंड फॉर रिलायबल, एक्सटेंसिबल, एफिशिएंट एंड फास्ट। इन्होंने यहाँ पर इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ब्लॉकचेन फॉर डेफी, NFT एंड गेमिंग। देखिए दोस्तों डेफी का, NFT और गेमिंग ये बहुत बड़ी एक संख्या में उभर के आने वाला है आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट में। कहां कहां पर अवेलेबल है? फाइनेंस, योबी, बिटफिनेक्स और FTX पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग वजीरएक्स पे भी आपको मिल जाएगा। वजीरएक्स पे मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूं कि करंट वजीरएक्स पे क्या प्राइस चल रहा है। वजीरएक्स पे दोस्तों बहुत ही कम रुपीज में आपको इसको अवेलेबल है, विच इज 1.45 यानी कि 1.45 रुपया में आपको अभी यहाँ पे ये अवेलेबल हो रहा है वजीरएक्स पे। USDT में बात कर लेते हैं। USDT में रीफ जो है 0.018140 US डॉलर में ट्रेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, रीफ चेन इंटीग्रेट्स द बेस्ट एस्पेक्ट फ्रॉम मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लॉकचेन व्हाइल मेंटेनिंग फुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपैटिबिलिटी। यानी कि रीफ चेन जो है जितनी भी कॉमनली यूज्ड ब्लॉकचेन है, चाहे फिर वो कोई भी ब्लॉकचेन हो, वहां पे इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कंपैटिबिलिटी है उसको ये मेंटेन कर सकता है। और रीफ चेन क्या है? रीफ चेन इज एन EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन फॉर डेफी। इट इज फास्ट, स्केलेबल, हैज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डज नो वेस्टफुल माइनिंग। यानी कि माइनिंग किसी भी प्रकार से यहाँ पर खराब नहीं होने वाली। इट इज बिल्ड विद सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क एंड कम्स विद ऑन चेन गवर्नेंस। यानी कि सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पे ये बिल्ट है और ऑन चेन गवर्नेंस इसके साथ आपको मिल जाएगी। इसके मेन जो इन्होंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए हैं वो है सॉलिडिटी, लिक्विडिटी ब्रिजेस, कम्युनिटी गवर्नड, रीफ स्टेकिंग। यानी कि ये इसके चार पहलू इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे बताए हुए हैं। तो दोस्तों रीफ कौन गवर्न करता है? इट इज गवर्न बाय द रीफ चेन कम्युनिटी वाया नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, अपग्रेड एबिलिटी, फी बर्न एंड गवर्नेंस रिवॉर्ड्स। यानी कि ये अलग अलग चीजें जिसके थ्रू यहाँ पे ये गवर्न होता है, चलता है। These are the investors of Reef, which is NGC, Genesis Block, Woodstock, Finex, Kinetic, Bitcoin, QSN, TRG Capital, Master Venture, Cryptel. तो different के investors भी यहाँ पे अपनी लिस्ट देखिए रखी हुई है।
दोस्तों इस लाइव चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो रीफ का एक्चुअल प्राइस आ रहा है विच इज 0.01791। कल मैंने आपको यही बात बताई थी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको प्राइस में हल्का सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे विच इज नॉर्मल। अब इसकी रीफ की बात कर लेते हैं, जो मैंने इसका इनिशियल यहाँ पे चार्ट आपके सामने लिया है स्टार्टिंग से, तो 1 दिसंबर ही था जब ये अपने 0.0340 को ये टच करके नीचे आया था, विच इज 0 को आया था। अगर मैं इसका 1 डे का चार्ट आपके सामने बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी मैं डिटेल्स आपको यहाँ पे आज बता देता हूँ। दोस्तों आपके सामने अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड बहुत ही सिंपल सा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो बिल्कुल डाउनवर्ड मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर हु हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम सर्टन पॉइंट। लाइक जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया उनके लिए भी एक नुकसान तो है ही है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे चली जा रही है रीट की अगर हम देखेंगे तो। अब पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने इस ATH पे बाय किया है उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर आपने किसी भी ATH पे बाय किया है तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन यही होता है कि जब एक पर्टिकुलर टोकन या कॉइन उस अपने ATH के आसपास हो और अगर आपको एग्जिट करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप इस लेवल पे बाय करके यहाँ पे आकर अगर आप सेल करेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, फिर आपको काफ़ी नुकसान यहाँ पे होता है। तो हमेशा इस चीज़ को आपने नोट करना है कि कभी भी इस पर्टिकुलर एरियाज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने हमेशा एक स्ट्रेटेजी लेनी है कि आपने होल्ड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि और कितना नीचे जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द करंट मार्केट सिनेरियो, जहां पे बिटकॉइन जो है बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमें यही सोचना है कि अगर हमने हाई लेवल्स पे बाय की है तो हमें होल्ड करके उसे लॉन्ग टर्म वेट करके जब तक कि वो अपने उस ऑल टाइम हाई के करीब नहीं पहुंचता है तब तक हमें वहां से एग्जिट नहीं लेना है। इस बात को दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा। और इस मामले में रीफ के इस मामले में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने एंट्री लेनी है तो दोस्तों आपके लिए यहां पे एंट्री का एक अच्छा खासा यहां पे ऑप्शन आ रहा है, जो आपने बिट्स एंड बिट्स में एंट्री आपने यहां पे लेनी है, जिसके कारण आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मैं यहां बात कर रहा हूं बहुत कम इस वक्त प्राइस में ये अवेलेबल है, विच इज 0.01797 के करीब यहाँ चल रहा है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में बात करता हूँ तो 1 और 1.5 रुपये के बीच में आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। यानी कि अगर आप इसको आज लेते भी हो तो जो इसके आने वाले प्रोस्पेक्टस हैं फ्यूचर में उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में दे सकता है, बशर्ते आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ आपको एडवाइस नहीं करूँगा, मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि जैसा इसका ट्रेंड चल रहा है, अगर हम इसका ट्रेंड देखेंगे तो इसका ट्रेंड टोटली लड़खड़ाता हुआ नीचे की ओर आ रहा है और रेड कैंडल्स हमें बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये नीचे को आ रहा है तो इसका हमेशा ये डाउनवर्ड ही रहेगा, क्योंकि इसके पास अच्छे खासे अभी एक प्रोस्पेक्टस हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट भी एक बहुत जल्दी आने वाले टाइम में लेगा। और जो इसने रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस लेवल इसने यहाँ पर बनाए हुए हैं इनको स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेक करता हुआ आगे जाएगा, तो आपने सिर्फ यहाँ पे पेशेंस रखना है, होल्ड रखना है। और अगर आपने एंट्री लेनी तो बिट्स एंड बिट्स में आप एंट्री लेके 1 एंट्री आप यहाँ ले लीजिए, उसके बाद 1 एंट्री आप यहाँ ले लीजिए, उसके बाद 1 एंट्री आप यहाँ ले लीजिए। तो अगर आप एंट्रीज लेते रहेंगे तो आपको आपका प्रॉफिट उतना अच्छा आगे के लिए सिक्योर हो जाएगा। और अगर ये और डिप डाउन होता है नीचे की ओर जाता है तो आपके लिए भी यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है एंट्री लेने की, क्योंकि आपको फिर ये बहुत ही कम रेट पे मिलेगा, विच इज़ क्वाइट फिजिबल, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे नज़र बनाए रखें, और अगर आपने एंट्री लेनी तो आज के डेट में आप एंट्री लेके इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और जैसा इसका कंसेप्ट है जो अपना रीफ चेन का, जो कंपेटिबिलिटी का कंसेप्ट इनके पास पड़ा हुआ है, जो ऑन चेन का कंसेप्ट इनके पास पड़ा हुआ है, काफ़ी आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट दे सकता है। सो दोस्तों दिस वॉज रिगार्डिंग रीफ टोकन, जो कि मैंने आपको बताया रीफ टोकन जो है अपने आप में अलग विशेषता रखता है, और इसी कारण ये जो है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो कंसेप्ट इनके पास है, जो टेक्नोलॉजी इनके पास है, जो ब्लॉक चेन्स पे ये कंसेप्ट अपना लेकर आए हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो दिस इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू फॉर द लॉन्ग रन। तो दिस वॉज रिगार्डिंग रीफ चेन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।